विदिशा के खूबसूरत स्तूपास को देखने के बाद हमें पता चला कि यहाँ से ही कुछ 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर उदयगिरी केव्स है। तो हमने वहाँ पर जाने का मन बनाया और हम अपने अगले डेस्टिनेशन चलने के लिए तैयार हुए। देखिए फ्रेंड, शाम का कितना खूबसूरत नज़ारा है, खुला खुला आसमान और खुला हुआ रोड, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आज नर्मदा परिक्रमा का ये 5वां दिन है और मैया के आशीर्वाद से हम लोग बहुत कुशलता से अपनी यात्रा पे निकले हुए हैं और अपनी यात्रा को सफल बनाते हुए हम आसपास के जो पर्यटक क्षेत्र है उसमें से घूमते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे आप शेयर करिए और लाइक करिए, और अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए फ्रेंड्स, सामने उदयगिरी के साइन बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। उदयगिरी की गुफाएं कोई खाम बाबा नाम के गांव के पास में है। तो चलते हैं फ्रेंड्स वहां पर और देखते हैं वहां के खूबसूरत नज़ारे। दोस्तों, उदयगिरी की गुफाएं भोपाल से 58 किलोमीटर और विदिशा से 9 किलोमीटर, ये गुफाएं 1600 वर्ष पुरानी होने की बात कही जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 20 गुप्त गुफाएं हैं और मठों का एक समूह है जो एक चट्टानों से उकेरा गया है, जिसमें एक जैन और बाकी हिंदू धर्म को समर्पित है। इसमें एक प्राकृतिक घाटी है जो गुफा के पूर्व से ही पश्चिम की ओर चलती है। तो चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं वहां पर आपको खूबसूरत नज़ारे। दोस्तों, ये गुफाएं चंद्रगुप्त रूलर विक्रमादित्य 2 ने बनाई है, जो कि यीशु मसीह आफ्टर डेट 375 से 414 एडी में बनाई गई है, और इसकी कला बहुत ही उम्दा और खास है। तो चलते हैं इन गुफाओं के अंदर जाके देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है, और हम लोग इसे अब भूल चुके हैं और ऐसी जगहों पर जाते नहीं है, जो कि बहुत ही एक अलग ही एहसास दिलाती है। पर्यटक यहाँ पर आकर इन पुरानी चीजों को नुकसान पहुँचाते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसे लॉक करके रखा हुआ है, जो हमें बाहर से देखना पड़ता है। और ये गुफाएं पूरी तरह प्राकृतिक है, देखिए पूरे एक छोटे से पहाड़ के ऊपर में बनी हुई है। जब हम यहाँ पहुँचे तो ये शाम का वक्त हो गया था, तो यहाँ पर कोई भी नहीं था और सिर्फ हम ही थे और घूम कर आस पास सभी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे। दोस्तों, गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ टिकट्स वगैरह भी रखे हुए हैं और इस जगह को उन्होंने संरक्षित भी किया है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेट्स वगैरह बने हुए हैं और ये भगवान विष्णु को समर्पित उनकी मूर्ति लेटी अवस्था में है। देखिए क्या कला है, बहुत ही अद्भुत।
देखिए फ्रेंड्स ये कलाएं कितनी अद्भुत हैं और पूरी तरह अभी तक 1600 से 1700 साल पुरानी होने के बावजूद अभी तक बची हुई है। ये देखिए भगवान विष्णु का वराह अवतार, जिस अवतार में इन्होंने पृथ्वी को राक्षस से बचाया था, काफी सुंदर और बहुत ही अच्छा और अद्भुत बनाया गया है। मुझे इन चीजों का बहुत ही ज्यादा शौक है।